आज हम आए हैं लतीफाबाद 8 नंबर बिरसा पार्क में, क्योंकि हमारा जो ब्लड का प्रोग्राम है ब्लड को जिंदगी बचाओ, तो उसके हवाले से हमने सोचा कि आज हम पब्लिक में जाते हैं, उनसे बात करते हैं लोगों से कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है और वो लोग ब्लड देना चाहते भी हैं या नहीं चाहते, क्योंकि लोग ब्लड देते हुए डरते हैं। चलते हैं फिर एक भाई के पास, वो भाई मिल गए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, नाम आपका? आजम खान नाम है हमारा। आजम भाई, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी पॉजिटिव है। अच्छा, तो कभी ब्लड दिया है आपने? नहीं, आज से पहले हमने कभी नहीं दिया। तो अच्छा, किसी को जरूरत होगी तो आप देंगे? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल देना चाहिए, मैं भी देना चाहिए, उसको देना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही सही, खून देना सदका जारिया है, देना चाहिए। खून देने से काम नहीं होता बल्कि बढ़ता है खून। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप जब ब्लड देंगे ना तो इंशाल्लाह 24 घंटे में ये जनरेट होना शुरू हो जाएगा और 3 महीने में इसका कम्प्लीट प्रोसीजर हो जाएगा। क्योंकि जो है हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप एक इंसान की जान बचाएंगे तो समझ लो पूरी इंसानियत की जान बचा दी आपने। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही अगर लोगों में जज्बा होगा, लोग डरते हैं यार, ब्लड देते ही नहीं है, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि लोग इसमें आए, अपना हिस्सा डालें और जो है वो ब्लड दें। ठीक है भाई जान, आप बहुत बहुत शुक्रिया। भाई से बात करते हैं कि वो बताएंगे इनका ग्रुप कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, कभी दिया है आपने ब्लड? बहुत बार दिया। कितनी बार दे चुके हैं? तकरीबन 6-7 बार दे चुके। देखिए माशाल्लाह, भाई ने 6-7 मरतबा दे चुका है, और जबकि भाईजान जो है सेहत में इतने कमजोर है, बाकी हट्टे खट्टे लोग भी डर रहे हैं इससे। ये आप समझे, ये जज्बा है। तो अभी आपकी एज कितनी है? मेरी है 40। 40, देखिये 40 है माशाल्लाह। 18 से 50 साल तक के बंदे जो है वो ब्लड दे सकते हैं, वो उसमें जो है ना उनको कुछ नहीं होगा। ब्लड देने से वैसे ही कुछ नहीं होता, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ 6-7 मरतबा, बल्कि नया ब्लड जनरेट होता है। अब लाजमी बात है, लोग डर रहे हैं, अब हमने एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम लोग वैसे ही परेशानी में जो है गिरे हुए हैं, अगर हमने मदद नहीं की तो और परेशानियों में गिर जाएंगे। तो इंशाल्लाह भाई जान, कभी जरूरत पड़ेगी तो आप देंगे? हाँ, इसमें डरने की क्या बात है, इंसान अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी बच जाए तो ये तो दुनिया और आखिरत दोनों में आपके लिए बेहतरीन। तो भाई जान, हमारा एक प्रोग्राम है ब्लड दो जिंदगी बचाओ, तो आप उसके लिए बता दें कि लोगों के भाई ब्लड देना चाहिए? ब्लड देना चाहिए, इससे आपका दोबारा बनता है खून। आप एक चीज रखी रखी और जाम हो रही है, एक चीज निकलती है दोबारा रिटर्न में बनती है, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए सेल के लिए भी हेल्दी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपका जज्बा देखकर बहुत खुशी हुई। देखिए भाई मिले, इनसे बात करते हैं। भाई जान आपका नाम? जुबैर खान। जुबैर भाई, जुबैर भाई आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? एबी पॉजिटिव। एबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, कभी आपने दिया है, किसी को डोनेट किया है? तकरीबन कोई 3 साल पहले दिया था। 3 साल पहले, माशाल्लाह देखें इन्होंने दिया है। अभी आप दोबारा दें, क्योंकि अगर आप ब्लड देंगे साल में 2 मरतबा, यानी कि 6 महीने की टाइमिंग से अगर आप देंगे तो नया ब्लड जनरेट हो जाएगा आपका। तो ये बात ये है कि लोग डरते हैं, अवेयरनेस नहीं है, लोग परेशान है कि यार ब्लड देंगे तो उनको कोई बीमारी लग जाएगी, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर हम ब्लड दे रहे हैं तो उसके अंदर हमारी सारी स्क्रीनिंग हो रही है, हेपेटाइटिस बी सी और तमाम टेस्ट हो जाते हैं। इसका समझ ले वाहिद रास्ता ये है कि हमें अपनी बॉडी के बारे में भी पता लगता है। अब लोगों को चाहिए कि वो ब्लड दें। हमारा एक प्रोग्राम शुरू हुआ है ब्लड दो जिंदगी बचाओ, तो इसके लिए बस आप जो है लोगों की मदद करें, जिसको भी जरूरत हो। माशाल्लाह आप खूबसूरत भी है, हैंडसम भी है और सेहतमंद भी है, तो आप जो है इसके लिए जो है ना लोगों को ब्लड दें। ठीक है भाई जी, स्टार्ट कर ले। अभी किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोई मिल जाए तो यहाँ देखते ना, यहाँ देखते हैं, यहाँ कोई मिल जाए तो। ठीक है, अभी एक हाजी साहब मिले हैं, उनसे बात करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, यहाँ पर आप पार्क में आए हुए तफरी करने? जी जी। ठीक है, यहाँ भी हमने काफी नौजवान लोगों से बात की है। हमारा एक प्रोग्राम है ब्लड दो जिंदगी बचाओ, उसमें जो है ना हम लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि ब्लड देना चाहिए, क्योंकि लोग डरते हैं ब्लड देते हुए, खौफजदा होते हैं। तो आप जो है हमारे बुजुर्ग हैं, तो आप जरा लोगों को कुछ पैगाम दे दें कि भाई ब्लड देना चाहिए। जो माशाल्लाह जिसको अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई है उसको खून देना चाहिए, इंसानियत के नाते। ठीक है ना? सही से इंसानियत के नाते खून देना चाहिए, ताकि अगर कोई मरीज है, कोई बीमार है, कोई कमजोर है, इमरजेंसी सूरत में हमें भी हो सकती है, मुझे हो सकती है। अगर मेरी उम्र ऐसी है कि मैंने जवानी में दी है। जी जी बिल्कुल, 18 से 50 साल तक के बंदे जो है वो ब्लड 2-3 दफा दिया है, मैंने ज्यादा नहीं दिया, लेकिन 2-3 दफा दिया है। तरफ से अगर कोई पैगाम जाएगा तो पैगाम यही है कि जो माशाल्लाह से सेहतमंद हैं, जो खून देने के काबिल हैं, इंसानियत के नाते उनको जो है ना देना चाहिए।
देखें आप ये देखें, ये बाबा हमें यहाँ पार्क में ही मिले हैं। हमने इनसे बात इसलिए की है क्योंकि ये ब्लड नहीं दे सकते, लेकिन कभी इनको जरूरत अल्लाह ना करे पड़ सकती है। तो अगर हमारे अंदर जज्बा होगा तो शायद हम इनको ब्लड देंगे। अगर हमारे अंदर जज्बा ही नहीं होगा, हम खौफजदा होंगे, ब्लड देने के काबिल ही नहीं होंगे, तो फिर हम ब्लड थोड़ी दे सकते हैं। अब लोग जो है दूसरे कामों में पड़े हुए हैं, कोई छालिया खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पुड़िया खा रहा है, लेकिन कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि मेडिकल की तरफ किस तरफ हमें जाना है, लोगों की हेल्प किस तरीके से करनी है। तो बस यही है, और लोगों से बात करते हैं इंशाल्लाह। अभी आगे चलते हैं। बाबा जी अच्छा ठीक है। भाईजान आपका नाम? शुएब, शुएब अहमद। शुएब भाई आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव। आपने कभी ब्लड दिया है? मैंने काफी दफा दिया है जी, लेकिन फिर जो है मुझे जॉइंटिस हुआ तो उसके बाद मैंने देना थोड़ा। सही, बिल्कुल आपका ब्लड अब नहीं लग सकता, लेकिन माशाल्लाह जो जिनकी स्क्रीनिंग हुई हुई है, जिनके टेस्ट हुए हैं, तो उनको तो ब्लड देना चाहिए ना। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर हम किसी एक इंसान की जान बचाएंगे तो समझ लो पूरी इंसानियत की हम जान बचा रहे हैं ना। बिल्कुल, अब बिल्कुल। लोग यहाँ पर लोग डरते हैं, परेशान होते हैं कि यार ब्लड देंगे तो पता नहीं उनको क्या हो जाएगा, तो ऐसा है कुछ नहीं। इसीलिए हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसपे हमने लोगों को ये आगाही देने की कोशिश की है कि जितने भी यंग लोग हैं, यानी कि यंग जनरेशन है, वो ये सोचे कि हमें ब्लड देना चाहिए। जैसे हमारा प्रोग्राम है ब्लड दो जिंदगी बचाओ, तो बस यही कि हमारी एक कोशिश है, उसके लिए हमने आपसे बातचीत की है। तो इंशाल्लाह आपके इर्द गिर्द में जो लोग हो आप उनको बोलना कि जो है ना ब्लड देना चाहिए और डोनेट करना चाहिए, ये एक सवाब का काम है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हाँ जी जनाब, तो आपने देखा आज मैंने काफ़ी सारे लोगों से जो है ना उनके तासरात लिए ब्लड के मामले में, तो काफ़ी सारों की मुख्तलिफ राय थी और लोग जो है परेशान भी थे, और कुछ लोग तो बात करना ही नहीं चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग तो डर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई इससे कोई डरने की बात नहीं है, अगर हम एक दूसरे की मदद ना करें और एक दूसरे की मदद हमने नहीं की तो हम और परेशानी में चले जाएंगे। जिस तरीके का अभी माहौल चल रहा है, तो अगर हमने एक दूसरे की हेल्प नहीं की तो हम ज़्यादा परेशानी में गिर जाएंगे। तो ये मेरा आपसे पैगाम है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो समझ लें कि ये मेरा एक कोशिश है, ये मैं अकेला निकला हूँ, उसके साथ कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर भी जुड़ गए हैं। तो क्योंकि अभी अजान का भी वक्त हो गया, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।